न्यूज समाज का आईना होता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तो न्यूज वही जो सच दिखाए। पीसीआई हमेशा एक कदम आगे। नमस्कार, पीसीआई न्यूज के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पीसीआई हमेशा एक कदम आगे। उल्लासनगर के कंट्रोल रूम में दो अधिकारी सेवानिवृत्त हुए, यानी रिटायर हो गए। आइए उनको रिटायरमेंट के लिए किन किन लोगों ने बधाई दी, हमारे कैमरे के नजर से देखते हैं। ऑफिसर थे, अच्छे काम करते थे, महिला तकरार इनके अच्छे काम के लिए परिमंडल आठ के लिए उनका एक सत्कार समारंभ आज रखा है, एक भोजन समारंभ भी रखा है। और ये शायद सवा नौर हेड कांस्टेबल भोसले, ये दोनों का प्रोग्राम है। दो ये शायद सवा नौर हेड कांस्टेबल भोसले। पीसीआई हमेशा एक कदम आगे। डीसीपी वसंत जाधव साहब ने पुलिस मित्र और शिवसैनिकों से मिलकर एक मीटिंग की, आने वाले दिनों में शिव जयंती के उपलब्धि में और होली के उपलब्धि में कि त्यौहार खुशी से और भाईचारे से मनाया जा सके। पाण्याची इतकी भीषण समस्या असताना आपण पाण्याचा वापर न करता होळी खेळावी, त्याचबरोबर केमिकल युक्त जी रंगाचा वापर करू नये, त्याचबरोबर शिवजयंतीच्या अनुषंगाने मोठ्या प्रमाणामध्ये जी मिरवणूक निघते ती शांततेने पार पाडावी, यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावं अशा प्रकारचं आवाहन करण्यात आलेलं आहे। त्या अनुषंगाने सर्व आयोजकांनी आम्हाला आश्वासित केलेलं आहे की या वर्षाची पाण्याची समस्या पाहता व्यवस्थितरित्या प्रशासनाला सहकार्य करण्यात येईल, त्याचबरोबर एक चांगला आदर्श निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल। पीसीआई हमेशा एक कदम आगे। उल्लासनगर में पानी की किल्लत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग हाथ में केन लेकर पानी दर बदर भटक कर भर रहे हैं, लेकिन हमारे जो कारपोरेटर हैं या कारपोरेशन है उनके कानों तक जूं तक नहीं रेंगती। लोग परेशान है पानी की वजह से, लेकिन कई जगह पर ये पानी लीकेज हो रहा है। सी ब्लॉक परिसर में ये पानी जिस तरह लीकेज हो रहा है, अगर ये पानी लोगों तक पहुंचाया जाता तो शायद उनकी प्यास बुझ जाती। आइए देखते हैं हमारी कैमरा की नज़र से कि पानी लीकेज कितना हो रहा है और कैसे हो रहा है। पीसीआई हमेशा एक कदम आगे। सेंट्रल पुलिस चौकी में एक पुलिसकर्मी किशोर पाटिल साहब का जन्म दिवस मनाया गया। आइए देखते हैं सबने मिलकर उनको जन्म दिवस की कैसे बधाई दी, और हमारे पीसीआई न्यूज की ओर से भी किशोर पाटिल साहब को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल। PCIS
हमेशा एक कदम आगे। किशोर यादव साहब ने, उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के सीनियर ने शिव सैनिकों से मिलकर आने वाली 26 तारीख को शिव जयंती के उपलब्धि में खास मीटिंग की। आइए देखते हैं कि इस मीटिंग में शिव सैनिकों ने या किशोर यादव साहब ने क्या कहा। आज उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक किशोर यादव साहब ने शिवसेना के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। आने वाले 26 तारीख को शिव जयंती उत्सव में शिवसेना यहाँ साजरा करने वाली है, उसके संदर्भ में ये बैठक बुलाई थी। इस बैठक में जो उन्होंने सूचना हमारे को की है उसका हम पालन करने वाले। पाण्यासाठी संघर्ष चालू आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये लोकांनी होळी साजरी करताना बिना पाण्याविना होळी कशी साजरी करता येईल यासाठी प्रयत्न करण्याचं आवाहन करण्यात आलेलं आहे। दुसरी गोष्ट, जे पाण्याने किंवा कलरने भरलेले फुगे असतात, जे मुले गॅलरीतून किंवा टेरेसवरून टू व्हीलरवरती जाणाऱ्या येणाऱ्या लोकांना मारतात, तर या संदर्भात सुद्धा मी आपल्या सर्वांना आवाहन करू इच्छितो की आपल्या मुलांच्याकडे लक्ष द्या। एक तर पाण्याचा प्रश्न आहे, पाणी वाचेल, आणि दुसरं की त्याच्यामुळे होणारे ते पण टळतील। जर दुर्दैवाने कोणतीही अशी घटना घडली तर अशा बाबतीत आम्ही कडक शासन करणार आहोत, कडक कारवाई करणार आहोत। PCI हमेशा एक कदम आगे। महादेव शॉपकीपर एसोसिएशन ने सिरुचौक परिसर में CCTV कैमरा लगाई। इस CCTV का मुहूर्त उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के सीनियर और सेंट्रल पुलिस स्टेशन के सीनियर दोनों ने मिलकर किया। आइए देखते हैं हमारे कैमरा के नज़र से कि CCTV किस तरह लगाई गई है आपकी सुरक्षा के लिए और कैसे मैसेज दिया है इन दो बड़े अधिकारियों ने। ये TV पे दिखाने का सबसे बड़ा माध्यम ये है, जितने भी एक नंबर से लेके पाँच नंबर दुकान वाले संदीप भाई हैं, इसका पुलिस के कहने के अनुसार बहुत बड़ा फ़ायदा शहर को होगा। हर एक 50-50 दुकान वालों को मिलके ये कार्य जरूर करना चाहिए। एक पानी के कैन जितना खर्चा है एक दुकान के लिए, तो सब मिलके ये करेंगे तो उल्लासनगर का बहुत बड़ा फ़ायदा इसमें दिखाई देगा। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने जब यहाँ पे चार्ज लिया था उसी वक्त मैंने सब व्यापारी एसोसिएशन के लोगों को बुला के बैठक ली थी और मैंने आह्वान किया था सबको कि CCTV कैमरा आज के युग में होना चाहिए। खर्चा ज़्यादा नहीं है लेकिन सिक्योरिटी के हिसाब से अपने को ये बहुत मदद करता है। और अपने को अभी ये सच्चू केबल वाले का मर्डर, चेन स्नैचिंग, अभी कल का ये जो रॉबरी, उसमें बहुत इसका फ़ायदा हुआ है। अपने यहाँ के अगर जनता, व्यापारी लोग और पुलिस एक साथ अगर यहाँ पे काम करके तो यहाँ की गुनहगारी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, ये मुझे निश्चित खतरी है। ये जो CCTV फुटेज का फैसिलिटी व्यापारी एसोसिएशन ने दिया है तो ये तो उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन का है, लेकिन ये पूरे उल्लासनगर शहर में ये वायरस फैलना चाहिए। अच्छा वायरस है ये, तो हर नाके पे हमने उल्लासनगर कॉरपोरेशन को सुझाव दिया है, वो भी तैयार है आने वाले दिन में जल्दी से जल्दी कॉरपोरेशन की तरफ से या व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से सब जगह जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ CCTV कैमराज इंस्टॉल होना चाहिए। वो हमारी मदद करेगा, जनता की मदद करेगा, व्यापारियों की मदद करेगा। हमारे एसोसिएशन महादेव शॉपकीपर एसोसिएशन की तरफ से हमारे किशोर यादव जी साहब ने जब भी चार्ज लिया था तो हम सब प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी सब एसोसिएशन का मीटिंग लिया था। वहाँ पे उन्होंने पहला सुझाव दिया था कि आप सब मार्केट वालों को CCTV कैमरा लगानी चाहिए। इसमें क्या है, मार्केट में जो चेन स्केचिंग वगैरह या जैसे लुटेरे ऐसे पर्स को ब्लेड मार के मोबाइल लेना और चेन खींच के भागना, तो ये सब चीज़ें और पीछे रात में चोरी, रात में ड्रिंकर्स लोग गाड़ी चलाते और बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम जैसे घटनाएं घटती है, तो यादव जी ने हमको हमेशा हेल्प किया। उन्होंने हमको ये सुझाव दिया था कि आप कैमरा लगाओ, उन्होंने उनकी तरफ से काफ़ी हमको अच्छा ये सुझाव लगा, तो हमने ये एसोसिएशन मिल के ये पूरा CCTV का जो प्रोजेक्ट पूरा लगा है। और आज उनके सहयोगी से आज उनके यादव साहब ने और तीन नंबर के हमारे सीनियर साहब ने इसका इनॉग्रेशन और भाई साहब मेहरवान सिंह के दरबार से इनॉग्रेशन हुई है। और हमने इस कैमरा से एक और लाभ लेना चाहा। आज हमने मार्केट में एक अपना नया एक रूल लागू किया है कि जो भी दुकान के बाहर कचरा फेंकते हैं
उसमें हम एवरी वीक हर मंडे को कैमरा की जो रिकॉर्डिंग चलाएंगे, अगर किसी भी दुकानदार ने वो अपने चाय के कप, पेपर्स, पॉलीथिन डस्टबिन में नहीं फेंक के बाहर फेंका दुकान के, तो उसके ऊपर हमने फाइन लगाया। हमारी एसोसिएशन ने एक ये पहल की है, हमारे महादेव शॉपकीपर ने ये पहल की है कि हम 50 दुकानों ने, ये हमारी पहल है कि अपना जो दुकानों का कचरा है वो अपने डस्टबिन में डालना है। उसमें हमने क्या किया, हर मंडे को कैमरा में रिकॉर्डिंग दिखेंगे, जिसने भी वो बंदे ने वो बाहर फेंका, उसके दुकान के वर्कर ने या दुकान के ओनर ने बाहर फेंका है, उसको 50 रुपीज़ फाइन लगेगा। उसने 10 बार फेंका तो उसको 500 रुपये फाइन लगेगा, वो हमारे पंचायत एसोसिएशन में आएगा। इस बहाने थोड़ा सा एक हमारा जो स्वच्छ अभियान चल रहा है उसको थोड़ा सा एक अच्छा सा वो मिलेगा, पहल मिलेगी। जो स्वच्छता अभियान इन्होंने बताया है बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ऐसी है किसी को भी फाइन लगना नहीं चाहिए, इतना हम लोग में सुधार होना चाहिए। PCI हमेशा एक कदम आगे। आए दिन अब टीवी पर देखते हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें बाहर भेजने का झांसा देकर उनसे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें ठगा जाता है, उन्हें बाहर भेजा नहीं जाता, उनके पैसे हड़प किए जाते हैं। ऐसे ही एक टीम बंटी बबली, यानी जेंट्स और लेडीज मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाते थे कि हम आपको बाहर भेजेंगे, आपके लिए वीजा के लिए पैसे चाहिए, आपको नौकरी दिलाने के लिए पैसे चाहिए। उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया सेंट्रल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों ने। आई ज्यादा जानकारी लेते हैं सेंट्रल पुलिस चक्की के वरिष्ठ अधिकारियों से। आमच्याकडे सागर रोजलाने म्हणून एक 20-22 वर्षाचा मुलगा आहे, त्याला एअर इंडियामध्ये फ्लाईट पर्सनची नोकरी लावते असं सांगून एका बाईनी, चेंबूर RCF मधली बाई आहे, तिनं साधारण 5.5 लाखाला फसवला, म्हणून आमच्याकडे गुन्हा दाखल झाला। त्या बाईला अटक वगैरे करण्यात आली, त्या बाईला आत्ताच अटक केली, 2-3 दिवसापूर्वी अटक केली। यामध्ये आणखीन किती लोक असण्याची शक्यता आहे? आत्ता तर काही तसं सांगता येणार नाही, पण ती बाई एकटीच इन्वॉल्व्ह आहे सध्या तरी। आणि किती लोकांची फसवणूक वगैरे झालेली आतापर्यंत? आमच्याकडे जी तक्रार आहे त्याप्रमाणे एकाच माणसाची फसवणूक झाली। माझ्या माहितीप्रमाणे विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशनला सुद्धा असाच एक गुन्हा या आरोपी बाई विरुद्ध दाखल आहे। तिच्या कामाची पद्धती अशी की फेसबुकवरनं सांगून मी तुम्हाला कुठल्याही चांगल्या एअरलाईन्समध्ये नोकरी लावते, अंडर दॅट प्रिटेक्स्ट लोकांकडनं पैसे घेणे आणि त्यांची फसवणूक। तिने चेकही घेतले, कॅशही घेतली आहे। सोनिया जगेशिया नाम से एक लड़की है, वो पहले फेसबुक पे मिली थी, तो अच्छे से हमारा फ्रेंडशिप हो गया था, सब हो गया था। उसके बाद उसने बोला था कि मैं लोन वगैरह का करवा के देती हूँ, उसके लिए आपको FD के लिए उसने हमसे पैसे लिए थे, तो वो FD हमको उसने करवा के दी थी 2.5 लाख की, लेकिन बाद में पता चला कि वो बैंक ही नहीं है वहाँ पर। और उसके बाद हमने फॉलो अप करने लगे तो फिर उसने बोला कि अभी जो करना है देखो कर, और ये बैंक वगैरह उसने जो भी है उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो नहीं है यहाँ पे। एक सागर ओचानी करके है, उसके साथ भी हुआ है, उसको उसने बोला कि मैं प्लेसमेंट का करती हूँ, देखो जॉब लेके दूंगी। कितना अमाउंट उनके साथ उन्होंने किया? 5,38,000। और आपका अमाउंट? हमारा 5.5 लाख है। तो उसके बाद से क्या किया आप लोगों ने? उसके बाद से हमने पुलिस में कंप्लेन की, आज 6 महीने हो रहे हैं, आज फाइनली जाके वो अरेस्ट हुई है। PCI हमेशा एक कदम आगे। ठाणे शहर पुलिस की ओर से सारे नागरिकों को आवाहन, चैन चोरी, महिलाओं के साथ धोखा, चोरी जैसे हादसों से सावधान रहने के लिए पेश है ये सूचना। मॉर्निंग वॉक, सब्जी मंडी, मंदिर जैसे ठिकानों पर जाते वक्त औरतें ज्यादा गहने ना पहने, औरतें ज्यादा गहने पहनकर गहनों का प्रदर्शन ना करे, टू व्हीलर पर सवार होकर या पता पूछने का बहाना कर गहने खींचने वालों से सावधान रहे, रात को अकेले घूमते वक्त गहने ना पहने, अपने घर में कभी भी गहने पॉलिश करने वालों को प्रवेश ना दे, इससे आपके साथ धोखा हो सकता है। आपके घर पर शनि का दोष है या कोई और कारण की वजह से आपके गहनों की पूजा करवा ले ऐसा कहने वाले बहरूपियों से सावधान रहे, और भीड़ में यात्रा करते वक्त भी सावधान रहे।
आपसे चिपक के चलने वाले स्त्री या पुरुष से सावधान रहे। यात्रा के दौरान अनजान लोगों से खाना या पीने का सामान ना ले, इस तरह वो आपको बेहोश करके आपके गहने चुराने की संभावना होती है। गहने और कीमती वस्तु हमेशा लॉकर में रखें। रास्ते में आगे दंगे हो रहे हैं, मर्डर हुआ है, साहब सामने खड़े हैं, हम पुलिस वाले हैं, अपने गहने उतार कर दे, ऐसा बोलकर बहुत सारे बहिरूपी नागरिकों को फंसाते हैं। ध्यान रखें, पुलिस कभी नागरिकों के गहने नहीं मांगती। बुजुर्ग महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा होती है। दुकान, मॉल, मंदिर, समारंभों के इर्द गिर्द चोर महिलाओं का पीछा करते हैं और उन पर अपनी नजर रखते हैं। और वही महिलाएं जब रास्ते पर अकेली होती है तब ये चोर सामने से या पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार होकर महिलाओं की चेन खींच लेते हैं। सोसाइटी और व्यापारियों को सूचना, सोसाइटी में वॉचमैन जरूर रखें, सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, सोसाइटी या बंगलों में काम करने वाले नौकर, नौकरानी, किराएदार, इनकी जानकारी फोटो के साथ पुलिस स्टेशन को जरूर दे। शहर के बाहर जाते वक्त अपने पड़ोसियों को जरूर बताए। सोसाइटी के वॉचमैन के घर का पता, उसके संग रहने वाले व्यक्तियों की जानकारी पुलिस को दे और उनका चरित्र पड़ताल करने के बाद ही उन्हें वॉचमैन के काम पर रखे। सोसाइटी के किराएदार दूसरे राज्यों के व्यक्तियों के गतिविधियों पर ध्यान रखे। अलार्म और सेंट्रल लॉक लगवाए। अर्जेंट मदद के लिए पुलिस का दूरध्वनि क्रमांक तो आपको पता ही है, फिर से एक बार ध्यान से सुन ले, 100। इस क्रमांक पर मदद के लिए जरूर फोन करें और पुलिस के मदद का लाभ उठाएं। फ्लैट या बंगला धारकों ने अपना घर भाड़े पर देने पर 4 दिन के अंदर पुलिस स्टेशन के फॉर्म में भर के देनी चाहिए, अन्यथा घर मालिक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लावारिस वस्तु, शंकाजनक बैग दिखते ही नियंत्रण कक्ष को 100 नंबर पर जल्द से जल्द सूचित करें। ये सारी सूचनाओं का सारे नागरिक पालन करें। ऐसी ठाणे पुलिस की ओर से एक गुजारिश। धन्यवाद। PCI हमेशा एक कदम आगे। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक आप देखते रहें डेन कोनाक यूसी केबल में। न्यूज समाज का आईना होता है, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तो न्यूज वही जो सच दिखाए। PCI हमेशा एक कदम आगे।